देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 वाहनों को फ्लैग ऑफ कर पुलिस के बेड़े में शामिल किया। हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ये वाहन डॉक्टर माता मंगला जी उत्तराखंड पुलिस को रक्षक सम्मान के तौर पर दिए गए हैं। देखिए ओपी यादव की ये रिपोर्ट। धर्म और आध्यात्म की भूमि उत्तराखंड की पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस विभाग को दिए गए 21 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग व इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ये वाहन दिए जा रहे हैं। बहुत बार सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि हमारी स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से लैस होनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधाएं हमारी पुलिस के पास होनी चाहिए। पुलिस विभाग को 101 गाड़ियों का जो देने का आपने फैसला किया और उसकी पहली किस्त के रूप में आज 21 गाड़ियां हमको मिल रही हैं। फाउंडेशन के संस्थापक श्री भोले जी और डॉक्टर माता मंगला जी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को रक्षक सम्मान के तौर पर कुल 101 वाहन दिए जाने हैं। इसी कड़ी में ये 21 वाहन सुपुर्द किए गए। रक्षक सम्मान, रक्षक का जो एक धर्म है कि हर एक जीव की रक्षा करना, और आप लोग सबके आगे, पुलिस से आगे रक्षक का भी नाम लगता है, जो रक्षक सबकी रक्षा के लिए आगे स्वयं आते हैं। तो इस रक्षक सम्मान के लिए हम लोगों ने इस साल सोचा था कि हम 101 गाड़ियाँ जो एक साथ देंगे, लेकिन कोविड की उससे कई कंपनियों ने बहुत स्लो प्रोसेस किया हुआ है। आज कम से कम हम 21 गाड़ियों से 21 क्षेत्रों में सुरक्षा का कवच प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि आज के तकनीकी युग में स्मार्ट पुलिस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हिल पेट्रोलिंग व इमरजेंसी रिस्पांस के लिए डॉक्टर माता मंगला द्वारा उत्तराखंड पुलिस को दी गई 101 रक्षक वाहनों की सौगात निश्चित तौर पर जन सेवा की एक सच्ची मिसाल है। देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सूबे की पुलिस को आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कर स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए डॉक्टर माता मंगला और श्री भोले जी द्वारा 101 वाहन पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए हैं। निश्चित तौर पर इनकी इस पहल से एक और जहां प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा कायम होने के साथ पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों को समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी मिली है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़।